हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। सो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। इतने सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग टू वेट लॉस जर्नी मेरी, कि आपने कैसे वेट कम किया, इतना वेट कैसे कम हो गया, इतनी जल्दी इतना सारा वेट कहाँ गया, कैसे, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी क्वेश्चंस। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो अभी मैंने 22-23 किलो कम करा है। मेरी 22-23 किलो जो वजन है वो कम हो चुका है अभी, और आप लोगों के सामने है मेरे लास्ट ईयर के या 6 महीने पहले के आप वीडियोस उठा लीजिए, मैं वही 89 केजीज की हूँ और अभी स्टिल गोइंग ऑन, और मेरी जर्नी अभी भी चल रही है उस गोल पे पहुँचने के लिए जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, किसी को 5 करना है, किसी को 10, किसी को 20 में भी नहीं संतुष्ट, किसी को 30 में भी नहीं है। सो वो अपनी अलग 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 जर्नी होती है, वो माइंडसेट होता है कि आपको कहाँ कहाँ बेटर फील हो रहा है या कब आप अच्छा फील कर पा रहे हो, इस हिसाब से सबकी जर्नी अलग होती है। उस हिसाब से मैं भी अभी स्टिल गोइंग ऑन है मेरी जर्नी, और भगवान की दुन दुन दुआ से और मेरी मेहनत से फाइनली मैं पहुंच ही जाऊंगी जितना मुझे लगता है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं अपनी शेयर करती हूँ कि मैंने इतना वेट कैसे कम किया, और मुझे इस पूरे 22-23 किलो कम करने में 5 महीने लग गए हैं पूरे। और मैं हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ, कोई एक दिन का वेट नहीं बढ़ा हुआ है ये, कि ऐसे आप चुटकियों में इसको गायब कर देंगे। मैंने जर्नी शुरू किया तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलने वाली हूँ आपको ये नहीं छोड़ना, आपको वो नहीं छोड़ना, या विदाउट एक्सरसाइज हो जाएगा, विदाउट जिम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों का मिक्स है ये सब चीज़ें, और आपको करना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। कुछ ना कुछ आप सेक्रीफाइस करोगे लाइफ में तभी आपको कुछ मिलता है। सेम या बॉडी के साथ भी है, आप जितना इसको अच्छी तरह से ट्रीट करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। कंसर्न है रिगार्डिंग अपने वेट को लेकर और आप सच में आप कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम है वो है शुगर नहीं खाना है आपने, और बिल्कुल बिल्कुल इसको अपनी लाइफ से हटा देना है, व्हाइट वाला जो शुगर होता है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब आप करेंगे ना सब कुछ पॉसिबल होगा। इवन आप जो डेली बेसिस पे शुगर लेते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, बहुत बहुत ज्यादा। जो आप रोज चीनी चाय के साथ जा रही है ना, वो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ करती जाती है हमारी बॉडी के साथ। इसलिए आपको रोज डेली बेसिस पे शुगर नहीं लेना है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि जैसे ओकेजनली आप कहीं जा रहे हैं या कोई बर्थडे पार्टी है, शादी है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ओकेजनली आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले सकते हैं। उसको भी ऐसे नहीं कि पूरा भर के खा रहे हो, जस्ट आप टेस्ट लेने के लिए उसको लें, तो वो बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा। लेकिन आप जो डेली बेसिस वाला जो शुगर है आप उसको बंद करें। और सबसे पहले जो हम चाय पीते हैं और इसमें भर भर के वो चीनी जो जाती है ना, उसकी वजह से ही हमारा वेट बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर का खाना नहीं खाते और फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा होता है, तो वो यही कारण होता है। आपको पता नहीं चलता कि आपकी कैलोरीज कितनी ज्यादा बढ़ रही है। 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी रोज आप डेली बेसिस पे ले रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है आपकी बॉडी के लिए, और आप वेट कम नहीं कर पाओगे जब तक आप शुगर बंद नहीं करोगे। आप अगर चीनी अगर आप चाय लेना ही चाहते हो तो आप गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं आता तो स्टीविया यूज कर सकते हैं, और शुगर फ्री भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है बॉडी के लिए। सो पहला जो है आपको चीनी बंद करना ही पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ, पोर्शन कंट्रोल का मतलब है कि आपको कम जो कैलोरीज है उसका पोर्शन कम कर देना है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें फॉल्स अलार्म होते हैं, लाइक हमें भूख नहीं लग रही होती है लेकिन हमारा मन करता है कि नहीं हम खा लेते हैं ऐसे वाला, और फिर उसमें हम ओवर ईटिंग करते हैं और उसकी वजह से पेट बढ़ता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल भूख लगी है कि नहीं लगी है। पहले या तो थोड़ा पानी पी के देख ले, पानी पी के अगर आपको फिर भी आपको थोड़ा हंग्री फील हो रहा है उसके बाद आपको हाँ खाना लेना चाहिए। अगर आपको पानी पीने के बाद सेटिस्फाइड हो रहा है कि हाँ ठीक है तो वो फॉल्स अलार्म था, आपको खाना नहीं खाना है उसके बाद, ओवर ईटिंग हो जाती है और उसी से आपका वेट बढ़ता है। देन आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि पोर्शन कंट्रोल होने चाहिए आपके मील में। मील में क्या होगा, एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए उसमें बैलेंस्ड वे में। आप दालें ले सकते हैं,
राजमा हो गया, छोले हो गए, हमारी दालें हो गई, ब्लैक चने हो गए, ये हमारे प्रोटीन देगा हमें। फिर हमारा पोर्शन होना चाहिए एक सैलेड वाला, जिसमें आप अपनी चॉइस का सैलेड रख लें या सीजनल जो भी सैलेड आती हैं वो आप रख लें। देन कार्ब्स का पोर्शन आता है, जो 50% आपको कार्ब्स होने ही चाहिए, जिसमें आप रोटी ले सकते हैं, दो रोटी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, व्हाइट वाले राइस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैंने व्हाइट राइस एक भी दिन बंद नहीं करे हैं, मुझे इतने ज्यादा पसंद है व्हाइट राइस। तो आप व्हाइट राइस ले सकते हैं, दो रोटी ले सकते हैं, या फिर आप, मैं अगर आपको सजेशन दूं, मल्टीग्रेन रोटी लें, वो बहुत बढ़िया होती है और इफेक्टिवली आपकी बॉडी पे वर्क करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। थर्ड होता है कि आपको पानी का जो इनटेक है वो ज्यादा लेना है आपकी, उससे स्किन भी बेटर होगी। अगर आपको 1-1.5 महीने की पहले मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे, तो मैंने कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट, एक तो मुझे एलर्जी थी किस चीज से, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, और दूसरा पानी इनटेक में बहुत कम ले रही थी। तो पानी का इनटेक जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको हंग्री फील नहीं होगा। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, अगर आपको भूख लग रही है आप तब भी खाएं। तो आप सोच रहे होंगे कैसा सा क्या सजेस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। कई बार हमें खुद को ये नहीं पता चलता हमें भूख लगी है कि नहीं लगी। मतलब मेरे साथ भी, जैसे मैंने भी खाना खाया और थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं यू नो मंचिंग करने का मेरा मन हुआ, कुछ मैं टीवी देख रही हूँ कुछ भी, और मुझे मंचिंग करने का मन हुआ, बिना भूख के मैं ओवर ईटिंग कर लूंगी, स्नैक कर लिया मैंने, स्नैकिंग कर ली कुछ भी, तो वो सब ओवर ईटिंग है। वो सब चीजें आपको नहीं करनी है। आप ध्यान रखें कि आपको भूख लगी है, सच में भूख लगी है, उसको आप टेस्ट करें पानी, या तो आप थोड़ा पानी पी लें। पानी पीने के बाद क्या होगा, अगर आपको भूख सच में नहीं लगी होगी तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और हाँ, अगर सच में लगे तो आपको खाना लेना चाहिए, बट आपको 100% ये पता होना चाहिए कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, तो वो जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको अपने सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना है। जैसे आप अगर 12 बजे सो रहे हैं तो आप 9 बजे डिनर कर लें, ऐसे ही 3 घंटे पहले आपको डिनर करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है क्रैश डाइट्स। जी हाँ, आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी किसी ने बता दिया, बहुत सारी ऐसी क्रैश डाइट है, जैसे कीटो डाइट्स हो गई, जिनमें आप अच्छा खासा बहुत कम टाइम में वेट कम कर सकते हैं। और मैंने ऐसा बहुत पहले, मतलब 1-1.5 साल 2 साल पहले, जब भी मैं ओवरवेट थी तब से मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ, और हर बार मैं फेल ही हुई हूँ, क्योंकि कभी मैंने कुछ किया, कभी मैंने प्रोटीन पी के कम करने की कोशिश करी, कभी मैंने क्रैश डाइट से कम करने की कोशिश करी, कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूं, आप जितना कम करोगे उससे 4 किलो एक्स्ट्रा जाके ही आपका बढ़ेगा, जब आप अपने एक्चुअल रूटीन पे आ जाओगे। यानी आपने जब डाइट छोड़ी, आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आए, आप वापस जितना गेन किया वो भी बढ़ेगा, और साथ में एक्स्ट्रा किलोज भी बढ़ेंगे, 100% श्योर। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है एक बैलेंस्ड मील। और बैलेंस्ड मील आप जब तक नहीं लोगे, देखो मैं ना तो ये बोल रही हूँ कि सिर्फ खाने खाने से आपका वेट कम हो जाएगा, और ना ही ये बोल रही हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज, योगा, जिम से आपका वेट कम होगा। 80% आपकी डाइट वर्क करेगी आपकी बॉडी पे, और 20% आपका एक्सरसाइज, योगा, वॉक, स्विमिंग, जो भी आप करना चाहें वो करें, लेकिन करें एटलीस्ट 30 से 40 मिनट आप हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, वो इफेक्टिवली वर्क करेगी विद द प्रॉपर हेल्दी डाइट। जो आपके घर का खाना है, ईट ओनली घर का होम कुक्ड खाना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वो आपको पूरी जिंदगी खाना है और पूरी जिंदगी आप वेल मेंटेन रहेंगे। सो गाइज, अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगे या कुछ भी आपको हेल्पफुल लगे इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग टू वेट लॉस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी कमेंट सेक्शन में। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।